कल जो गांव बढ़नपुर जिला जींद में कब्जा छुटाने के लिए प्रशासन गया था, 8 एकड़ जमीन का जो मामला था, तो कब्जा छुटाने के दौरान 2 किसानों ने जहर निकल लिया था। उनमें से एक किसान इंद्र सिंह था, जो उसकी मौत हो चुकी है। तो मौत होने के बाद है, जो गुस्साए ग्रामीणों ने, मतलब जो किसान और परिवार वाले हैं, यहाँ पर बद्दवाला टोल पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। आप लोग देख भी रहोगे आसपास के गांव से, तो मतलब टोल के ऊपर ही हैं लोग, आकर बैठ गए हैं। और कुछ ही देर में उनका जो डेड बॉडी है, शरीर, मतलब जो शव है, यहाँ पर पहुँचेगा। और जो पुलिस प्रशासन है, बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी पहुँच रहा है, और जो SDM है उचाणा से, राजेश कोथ जी, वो भी मौके पर मौजूद है। आप लोगों ने देख रहे होंगे सामने। और इन लोगों का कहना है कि जब लोग उनको न्याय नहीं मिलेगा, डेड बॉडी को यहीं पर, मतलब बद्दवाला टोल पर रखेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, वो अपना इंतकाल दोबारा क्लेम करवाएंगे। देखिए जो महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहां पर बद्दवाला टोल पर पहुंची हैं। सब हमें आए हैं, सबको सच्चाई का पता लग जाए भी असलियत क्या है। माइक चलाने का मकसद इतना था। मेरी विनती है, भाई साइडों में खड़े हैं और जो साइडों में खड़े भाई साहब इधर भी जो बैठे हैं, सिर्फ दो लाइने हम शो कर लें, बाकी छोड़ दें। हाथ जोड़ के विनती है, जो साइडों में बैठे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज आती है, जो साइडों में बैठे इनमें आ जाए, दो लाइने ही हम रखेंगे। परिवार की तरफ से जो विनती आई है वो यह है कि हम शांति से बैठेंगे, कोई भी किसी तरह की उपद्रव का तो मतलब ही नहीं। शांति से बैठेंगे, अपनी मांग मनवाएंगे, जिस तरह हमने दिल्ली बॉर्डर पे मनवाई थी। गुंडा राज नहीं है, जिस तरह BDP ने कल किया। याद कर लेना बाबा छोटूराम को, याद कर लेना चौधरी छोटूराम को। यही दिन थे, इसी तरह किसान जहर खाता था उस टाइम भी, इसी तरह करते थे सरकार, इसी तरह जबरदस्ती जमीन छीनती थी सरकार। तो मेरी विनती है, मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा इस टाइम में, कि मेरे जो साथी हैं सारे परिवार ने विनती करी है कि दो लाइनों में ही बैठ जाएं, और जब तक प्रशासन मांग नहीं मानेगा तब तक हम यहां बैठे रहेंगे। मैं विनती करूंगा, 2 मिनट आए जी, आप भी अपनी बात रखें 2 मिनट के लिए। प्रशासन को भी कार्रवाई करो, हमने नहीं पड़ेगा, ठीक है ने? शांति पूर्वक आ गया सारे भाइयों ने, सारे शांति से बैठे रहेंगे, गाड़ियां टोल खुला रखेंगे, जब तक अगला प्रशासन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करता। मैं विनती करूंगा एक बार, जो मांगे आपकी हैं वो प्रशासन को, क्योंकि CID सुन रही है। यदि प्रशासन कोई बात अपनी रखना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, वो कर ले, हमें कोई शौक नहीं है कि हम इस तरह बैठे अपने शरीर को लेके, हमें कोई शौक नहीं है कि अपने परिवार के मेंबर को लेके हम सड़क पे बैठे। हम चाहते हैं कि शांति से बात निपट जाए, और शांति से निपटाएंगे, बिल्कुल शांति से निपटाएंगे। प्रशासन कोई भी बात रखना चाहता हो, कहना चाहता तो माइक पे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तब तक हम शांति से यहीं बैठेंगे, बाकी लाइनें खुली रखेंगे। कोई हमने सिर्फ दो लाइनें हमने रखनी है यहाँ पे, और हमारे बीच में आदरणीय इंद्र जी का शरीर आता है, तो हम बीच में रख के बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे।